नमस्कार भाई लोग, आज जो है थोड़ा चर्चा करने आए हम इंजीनियरिंग और बिहार पे। बिहार में क्या है ना कि एक तो सरकारी जॉब का ऐसा भयानक फैशन है, ये आप जानते ही। काहे कि सरकारी नौकरी होना मतलब कहा जाता है भगवान से भेंट। अब मान लीजिए कि खाली भगवान बिहारिये के दर्शन देंगे तब बाकी भक्त लोग जलेगा कि नहीं जलेगा। तो पहले बिहार में यही था, बीच में घुसा एक इंजीनियरिंग, वो ऐसा सेंध मारा। अब सब सोचने लगा कि ना, इंजीनियरिंग करती बेटवा जो ज़्यादा बढ़िया रहते भाई, बेटा के इंजीनियरिंग करावल जाए। तो पहले तो 10वां जैसी पास किया भेज दिया गया पटना। पटना में धरे कोचिंग, और कोचिंग धरने में भी इतना माथा फोड़ा फोड़ी होता है वहाँ की मत पूछिए। कौन टीचर पास जाए कि सही से सिलेबस पूरा करावेगा, राम जाने। कुमार नाम का टीचर है, वो तो रात रात भर बिठा कर पढ़ाता था, मैराथन पढ़ाई चलता है वहाँ। कभी सुने हैं बिहार के कोचिंग में होता है पटना में, शाम के 6 बजे बैठाया जाता है, भोरे 6 बजे छोड़ा जाता है। समूचा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रात भर में समाप्त। उसके बाद दौड़िए 2 साल साइकिल लेके रोड पर, फिर दीजिए IIT का एंट्रेंस। निकला तो निकला, नहीं निकला तो प्राइवेट कॉलेज पहुँचे, वहाँ इंजीनियरिंग किए। उसके बाद प्लेसमेंट में बैठे, प्लेसमेंट मिल गया, प्राइवेट ही ना मिला। गाँव घर पर पता चला तो गाँव घर क्या कह रहा है जानते हैं, दूर प्राइवेट नौकरी, कितना कमाती हो, दूर प्राइवेट कितना मिलते, सरकारी सरकारी। अरे नौकरी करम तो सरकारी, न तोरा से अच्छा बेचम तरकारी, ये कहावत है। अब मान लिए 4 साल पढ़ाई किए आप प्राइवेट कॉलेज में, और जॉब नहीं लिए मतलब प्लेसमेंट नहीं लिए, तो क्या किए भाई, तो दिल्ली चले गए। दिल्ली जाके गेट का तैयारी कर रहे हैं, IAS का तैयारी कर रहे हैं, UPSC का कुछ का तैयारी कर रहे हैं। और घर आइए दशहरा दिवाली में, जरा उसके बाद देखिए, ऐसा ऐसा लोग मिलेगा ना बनचर बनचर आपको कि का बताएं। आओ बेटा, की हाल चाल है, का कर रहा है आजकल? जी चचा दिल्ली में है, तैयारी कर रहे हैं। कौची की तैयारी कर रहा हो, 4 साल से सुन रहे हैं तुम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, अभी तक तैयारी चल रहा तुम्हारा? अरे नहीं चचा, इंजीनियरिंग तो हो गया खत्म, अभी तो IAS का तैयारी कर रहे हैं। है? तो जब IAS की तैयारी तुमको करना था तो इंजीनियरिंग का हल किया, तू BA कर लेता, BSc कर लेता। BA BSc करके IAS की तैयारी नहीं होता है? आप इंजीनियरिंग कर लिए, इंजीनियर बन गए, कोई पूछने वाला नहीं है, दूर इंजीनियरिंग। ऐसे इंजीनियर ढेर मारल चला है, छतवा पर से थूकिएगा ना तो वो थूक इंजीनियरिंग के माथा पे गिरेगा। अरे यही से कौआ कबूतर भी देख दाख के बीट करने लगा। और सबसे बड़ा खतरा तो है कि इंजीनियरिंग करने वाला लौंडा जब इंजीनियरिंग करने जाता है तो फोकस नहीं कर पाता। सलाह है कि इंजीनियरिंग करने वाला लड़का कब इंजीनियरिंग करते करते सिंगर, एक्टर, राइटर, मॉडल, एंटरप्रेन्योर बन जाता है उसी को पता नहीं चलता। वो तो जब 6 से 9 का नौकरी में घिसाता है ना पिछवाड़ा, तब याद आता है, साला हम तो राइटर थे, हम तो सिंगर थे, हम तो एक्टर थे, हम यहाँ कर क्या रहे हैं। आज भी जब जॉब नहीं लगता है तो किसी टपरी पर बैठ के चाय पीते रहते हैं, तब आज में ख्याल आता है, कहा आता है, मास्टरवा ठीक कहता था कि बेटा पढ़। अरे ऐसा बात नहीं है, जब मास्टर देता था ज्ञान तो पूरा भूत चढ़ जाता था पढ़ाई के, क्लास से निकलते। लेकिन ऐसा ऐसा तांत्रिक तांत्रिक दोस्त था ना कि क्या बताएं आपको, तुरंत भूत झाड़ देता था। आज वही सब दोस्त मल्टीनेशनल कंपनी में बैठा हुआ है, विदेश में है, देश छोड़िए दिया, बिहार छोड़िए ना, इंडिया छोड़ दिया। तो स्ट्रगल है लाइफ का, चलते रहता है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। तो जितने भी लोग हैं किसी भी कारणवश इंजीनियरिंग में चले गए, उसके बाद कुछ और करने का मन कर गया, किसी और रास्ते पे चल दिए, बने बनाए रास्तों को छोड़कर अपनी एक नई राह बनाने निकल गए, उन सबको VP का सलाम है। इसी तरह से हम फिर आएंगे आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।